आज सुबह में ना मस्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, क्या बढ़िया वाली एकदम मस्त धूप भी आ रही है। तो रात में लगता है कुछ पाला ज्यादा ही पड़ा है। अगर जो नीचे वाले घाटियों वाले इलाकों में देखोगे तो आप नीचे साइड से ना बादल बनना भी शुरू हो चुके हैं। तो धीरू वहां से आने के बाद उसे आजादी मिल चुकी है, अब यहाँ पे आके घर में लड़ाई कर रहा है, खुश हो गया। वक्त चुप ही है ना धीरू, एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद बाकी के काम करते हैं। पर जो भी है ये दोनों झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे को रुला रहे हैं। इधर धीरू खुश हो गया ना इधर आके, उधर उसकी आवाज नहीं आ रही थी अब, पर इधर भी नहीं आती इसके कैमरे के सामने, और वैसे इसकी आवाज खूब आएगी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दगड़े, एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज धूप इतनी ज्यादा तेज है कि आंखें सही से नहीं खुलती है। एक गर्मा गर्म चाय पीते हैं फिर उसके बाद बाकी का काम निपटाते हैं। और इसमें रख दिया थोड़ा सा दैन, यानी कि जो हम सब्जी बना रहे हैं ना, तो कुछ दिन पहले हमने ये ककड़ी और मांस इनकी बड़ी बनाई थी और उसको धूप में सुखाया था, तो ये कड़क हो गई थी। तो अभी इनको बनाने से पहले कुछ देर पहले ना थोड़ा ये पानी में एकदम बढ़िया से भिगा के रखे थे, और पानी से भिगाने के बाद अभी यहाँ पे तड़का मारा जा रहा है, यानी कि दैन का तड़का तो मार दिया है। अभी इसमें लगेगा ये लहसुन के पत्ते, लहसुन के पत्ते भी रख दिए साथ में। और ये है अब बड़ी, यानी कि जो मांस और ककड़ी जो होती है, कुछ दिन पहले हमने ढेर सारी ककड़ियाँ खाई थी जिनको खाने में एकदम मजा आता था ना, हरा हरा नमक के साथ जो हमने ककड़ियाँ खाई थी, तो वो ककड़ी अब हमने इसमें रख दिया और इसमें थोड़ा भुना जा रहा है ना, तो ताकि जो फ्लेवर है लहसुन के पत्तों का बड़ी के अंदर तक जाए और इसका स्वाद भी आए। तो इसको कुछ देर थोड़ा ऐसे ही भुनते हैं। और साथ में अभी हमारे पास है यहाँ पे आलू, आलू थोड़ा कूट के रखे हैं, और ये सिलपट्टे में कूटे थे ना आलू, तो इसको हाँ, तो थोड़ा आलू साथ में इसलिए कि थोड़ा गाढ़ा बन जाए और तरी भी बन जाए ना साथ में, तो मजा आने वाला है आज सब्जी खा के। तो इसके साथ में क्या है, चावल या वो रोटी, दोनों में यही खाएंगे हैं। तो मांस और ककड़ी की जो बड़ी है इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटियों के साथ भी खा सकते हैं। इसका जो स्वाद आता है ना वो अलग ही आता है भाई। पहले के लोग ऐसे ही करते थे कि धूप में इसको सुखा के एकदम बढ़िया से, तो फिर बाद में आराम से सब्जियां बनाते थे। और ककड़ी जबकि कब की खत्म हो चुकी है, तो इसको एक लंबा चलाने के लिए धूप में सुखाया जाता था ना, हाँ जो मतलब ककड़ियां लाल हो जाती है ना, जो खाने लायक नहीं रहती, तो उनकी बड़ी बनाते हैं। और अब डाल दिए ऊपर से ये आलू, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, फिर थोड़ा धनिया, अभी एक चम्मच धनिया मसाला भी डाल दिया, एक चम्मच मर्च, मर्च हम थोड़ा ज्यादा खाते हैं ना तीखा सा, और एक चम्मच साथ में ये नमक डेढ़ कर दिया है, तो हम मार ले तो ये बहुत है फिर इतना दो आदमियों के लिए। हाँ चलेगी तो तीन टाइम, पर हमने थोड़ा ज्यादा बना रखी है ताकि दोपहर में ज्यादा मेहनत ना करना पड़े ना, बार बार कल बनाना समझी था। तो साथ में यहाँ पे अभी हमारी चाय भी उबल रही है, साथ में चाय भी पियेंगे, तो चाय अपनी बन के रेडी है, चाय रख देना, साथ में एक एक चाय भी पीते हैं। तो बढ़िया से अपना आलू और बड़ी भुनने के बाद हल्का सा पानी डाला है, हमारी जो बड़ी है ना बढ़िया से भुन भी चुकी है, और थोड़ा और पानी भी डाल दिया अभी इसमें, तो अभी इसको ढक देते हैं और बढ़िया से पकने देते हैं। तो टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा बनाइए। एक नंबर, और साथ में चाय भी, सुबह के नाश्ते में चाय तो पीते ही है पहाड़ी लोग। अभी ना शाम के टाइम जोगी मड़ी आए हैं और सामान के लिए आए हैं, तो यहाँ सुबिन भाई भी मिला और मैं सूरज तो साथ में ही आए, तो सुबिन भाई आज कुछ खतल बतल करेगा, मतलब हम लेट हो गए, नीरज करेगा खतल, आज नीरज करेगा। पर जो भी है जोगी मड़ी मार्केट एकदम मस्त लोकेशन में है भाई, यहाँ से तो काफी मजा आ जाता है, और आज मौसम भी काफी बढ़िया है ना, क्या प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है जोगी मड़ी से। चौमिन खाने आए, तो अभी घूमते फिरते ना यहाँ पे आए चाचा की दुकान में,
चाचा बना रहे इधर चाय। चाचा पेंट वेंट कहाँ से लगा दिया ये? चकड़े दिया है। नहीं ये पेंट नहीं है क्या? झूठ नहीं बोल रहा मैं कसम से, पेंट नहीं बेटा। ये ऐसा ना कि लड़की की शादी जब आपकी शादी होगी उसके बाद आपके बच्चे होंगे, उसके बाद जब कहाँ पे किया पेंट? इस साइड में दिख नहीं रहा। चला यहाँ नहीं दिख रहा पेंट, किस साइड में किया है? पेंट ही तो कर रखा है। अच्छा ऊपर साइड में किया है मैं, हाँ अब देख रहा हूँ मैं की। और जब आपकी बारी आएगी उस टाइम ना, नीचे साइड में नहीं किया अभी, नीचे का हाथ पांव जोड़ने पड़ेंगे ऐसे। वो तो आपकी बात सही है, पर नीचे साइड में क्यों नहीं किया अभी? नीचे ताए तो वो अपनी चाची को पूछे, इधर आइए मैडम। चाची कर दिए इधर, देखिए आप ऊपर ही ऊपर पेंट किया अभी, मुझे नहीं लग रहा इस दीवालों पे किया है। पेंट कर रखा है सारा पूरा पेंट है वो। आज क्या क्या वो सामने वाली दीवार लग नहीं रही, तो किस एंगल से लग रहा है उस वो दीवार वैसी लग रही है काली काली सी, कलर कलर पता नहीं कब किया चाचा ने, सही ढंग से नहीं किया। अरे यार महीने पहले हो गया हो। अच्छा एक महीना पहले, तो एक महीने पहले में और अब में फर्क नहीं है। तुम लोगों को चाय पिला रहा हूं फिर। सही बात है क्या सोविन? इन्होंने ऐसा काम कर रखा है कि चाचा को बोले चाय बनाओ, पैसे एक रुपए नहीं देते। सुन ले पहले इनकी जो है, क्योंकि तनख्वाह नहीं आ पा रही है इनकी। हाँ तनख्वाह नहीं आ रही ना, तनख्वाह नहीं आ रही ना। जब इकट्ठे आएगी तो लड्डू लेके भी आएंगे, कुछ पैसे भी देंगे। इनका जो खाता चल रहा है ना बहुत लंबा थोड़ा है खाता है। हाँ। बड़ा महंगा पड़ता है, एक चीज का खाता नहीं है। समझ गया ना, तो होशियार आदमी है। अब इतना क्यों शर्मा रहे, इतना तो लड़ू नहीं शर्मा रहे। पर ठीक है जो भी है। हाँ लड़की तो हमने उसके लिए प्रताप की लड़की देखी हुई है वो दिन से, और दिन वो लाया था ना बैल। अच्छा है सोबिन भाई? हाँ उनकी लड़की सच में। अरे क्या इस बार लड़के हो तो भाई प्रताप। तो अगली शादी सोबिन भाई की, अगला भाई तेरी शादी में कैमरामैन मैं ही रहूंगा, ठीक है? हाँ निशान वाला, ये ढोल ढमो वाले भी हम ही बजा लेंगे भाई, एडजस्ट कर लेंगे वहाँ तो सब। तो हमने क्या नाम हमारे फौजी सूरज भाई, बगल में अभी की नीरज भी लग गया ना दूसरा वाला। हम उससे भी रिक्वेस्ट करेंगे कहीं इधर उधर दोस्त बनाना, और भाई सुनने के शादी के लिए बोतले जरूर चाहिए। हो ही जाएगी, बस कैंटीन से आ जाएगी यहाँ पे, कैंटीन अब ज्यादा दूर नहीं है। कोई बात नहीं, सभी निशान हम ले जाएंगे। आगे वाली निशान में मैं रहूंगा, पीछे ये रहेगा बीच में ब्योला। तो एक एक जरा पहले चाय पीते, चाय बनने वाली है ना अपनी, चाय बन चुकी है, बन चुकी है चाय। चाय में तो अदरक है ना, वो है क्या नाम, कई चीजें हैं भाई। अरे वाह अदरक ऐसे नहीं, वो चाय अदरक की नहीं है। देख चाची तुम भी प्याचा, तो चाची मेरे को लग रहा है गौशाला जाने की लेट हो रही है छन्नी में। तो यहाँ जोगी मंडी में रहने का नुकसान ये भी है ना कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा। अच्छा तो पहले फटाफट से चाय पीते ना। चाय पहले। हाँ तो जोगी मंडी से ना अभी घर पहुँच चुके हैं, एक एक गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, यानी कि सुविन भाई और के घर में सीमा के परंठा खा रहे। हाँ ये परंठा खा रहे ना, और सुविन भाई भी इधर बैठ के परंठा खा रहे हैं। चाय पी जा रहे हैं। तो पहले चाय पीते ना, अभी तो हमने जोगीमणी में चाय पीती, अभी फिर से दोबारा से पी रहे हैं एक चाय। आज ना ठंड भी लग रही है, तो अभी अपनी रोटियां भी बन चुकी है और साथ में आग भी सेक रहे हैं, अब रोटियां भी खाते हैं। तो फटाफट से मई में रहिए ना, मम्मी ने तो खा लिया, तो घर पे आजकल मैं और माई है, दो ही आदमी है। तो अपना खाना वही डेली का 9 बजे ही होता है, आराम से ही खाते हैं ना हम लोग। बाकी लोग तो गांव के सब लोग जल्दी खा लेते हैं, कुछ दो चार लोग होंगे जो लेट खाते होंगे हमारी तरह। तो फटाफट से पहले मैं भी खाता हूँ। तो हम ना कल वीडियो को एंड करना भूल गए, वीडियो को एंड नहीं किया, अभी फटाफट से पहले ज़रा आग भी जलाते हैं और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए ब्लॉग में, और तब तक आप हमारा ये कल वाला पुजाई वाला ब्लॉग देखिए, और आपने अगर जो हमारा दीवा मंदिर वाला ब्लॉग नहीं देखा तो इस साइड देख सकते हैं।